तो चलिए अब बात करेंगे श्यामा प्यारी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद बनता है राधा अष्टमी का शुभ योग। राधा अष्टमी ब्रजधाम के मुख्य त्योहारों में से एक है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, तो वहीं राधा रानी का विशेष श्रृंगार भी होगा। तो ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर आज भव्य आयोजन। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, भजनों के माध्यम से आज पूरा मंदिर प्रांत राधा रानी के रंग में रंगा हुआ है। राधा रानी के रंग में भगवान श्री कृष्ण भी रंगे और आज हर कोई राधा रानी के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा, उनकी भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। राधे राधे के जयकारे आज मंदिरों में सुनने को मिले और राधा अष्टमी का शुभ मौका है, तो ऐसे में ये विशेष कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, भजन यहाँ पर गाए जा रहे हैं, भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, राधा रानी की भक्ति में लीन है। कई विशेष कार्यक्रम भी आज आयोजित होंगे, राधा रानी का विशेष तौर पर श्रृंगार किया जाएगा और एक झलक पाने को राधा रानी भक्त आतुर नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है इसी को लेकर खास जानकारी के साथ। तृप्ति, जानकारी आपसे चाहेंगे कि आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं और राधा रानी के विशेष श्रृंगार को लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, राधा अष्टमी का जो पर्व है वो आज यहाँ पर है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो ये पर्व आता है तो बहुत ही खुशहाली लेकर आता है, क्योंकि श्याम प्यारी राधा रानी जिनका नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है उनका आज पर्व है और उसको लेकर विशेष आयोजन है वो हर जगह किए जा रहे हैं, चाहे वो बरसाना हो, मथुरा हो, कहाँ हो या फिर हमारी छोटी काशी मथुरा हो, यहाँ पर भी जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर के आराध्य देव गोविंदेव जी मंदिर में और यहाँ की तस्वीरें कितनी खूबसूरत है वो आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही जो विशेष आयोजन है मंदिर में वो शुरू हो चुके हैं। राधा रानी की जो मंगला आरती थी वो यहाँ पे 4 बजे हो गई थी और उसके बाद में अभी उनका विशेष श्रृंगार जो है वो चल रहा है और थोड़ी देर में ये पट भी खोल जाएंगे और राधा रानी अपने श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन देने के लिए आएंगे। तो कह सकते हैं कि आज का दिन इसलिए भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज वो दिन है जब साल भर में श्रद्धालुओं को, भक्तों को राधा रानी के चरणों के दर्शन यहाँ पर होते हैं और यहाँ ही नहीं हर वो जगह जहाँ पे राधा रानी की धूम है, जहाँ पे उनके मंदिर है, वहाँ पर आज के दिन जो है ये तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी तरह यहाँ पर भी देखिए कि सुबह से ही यहाँ पे हरे कृष्ण हरे रामा का जो जाप है वो यहाँ पर शुरू है और इसी वजह से और श्रद्धालुओं के जो आने की संख्या है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पे मंदिर से जुड़े और अपनी राधा रानी के दर्शन यहाँ पर करने आए हैं। विशेषकर अगर मैं मुहूर्त की बात करूँ तो आज 10:25 से जो है ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा और कल 9 बजे तक जो है पूजा करने का जो मुहूर्त है वो यहाँ पर अच्छा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, पूजा करने का अच्छा मुहूर्त भी है, भजन जो है वो भी गाए जा रहे हैं, तो वही भक्त भी राधा रानी की भक्ति में तृप्ति लीन है। अगर मुमकिन हो पाए तो कुछ प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाइए। चलिए तृप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।